क्या हमारे अतीत में धरती पर आने वाले वो भगवान एलियंस थे? कई प्राचीन सभ्यताओं के पुरातात्विक प्रमाण कहते हैं कि ये सभ्यताएं मानव जाति के उद्भव, विकास और उत्थान के लिए आसमान से उतरने वाले देवताओं को जिम्मेदार मानती थी। उनके पास अलौकिक शक्तियां हुआ करती थी जिससे वो इस धरती पर आते थे और इंसानों की मदद किया करते थे। उन्होंने ही यहां की स्त्रियों से मिलन करके बलवान और बुद्धिमान संतानें पैदा की थी। और लगभग ऐसी ही मान्यता इनके बहुत बाद की संस्कृतियों में भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन एक सवा सदी से थोड़ा पहले डार्विन के विकासवाद और उसके बाद जीव विज्ञान में हुई तरक्की ने मानव जाति के इतिहास को नए तरीके से देखने और लिखने पर मजबूर कर दिया था। तब उन प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृतियों के देवता केवल मिथक पात्र बनकर रह गए थे। फिर 1960 और 70 के दशक में जब उड़न तस्तरियों के देखे जाने और एलियन से मुलाकातों की खबरें अखबारों की सुर्खियां बन रही थी, तब एरिक वॉन डेनिकन की एक किताब प्रकाशित हुई थी। नाम था चैरियट्स ऑफ द गॉड्स, जिसमें एक नई तरह की परिकल्पना सामने आई। एरिक वॉन डेनिकन ने कई सवालों के जरिए ये कहने की कोशिश की थी कि वो देवता जो स्वर्ग से उतरे थे पृथ्वी पर मानव जाति की रचना के लिए, वो कोई और नहीं बल्कि एलियंस थे जो ग्रीक सुमेरियन सभ्यताओं के साथ रहते थे और उन पर राज करते थे। उन्होंने ही इंसानों को विकसित किया और उन्हें गुलामों की तरह इस्तेमाल किया था। सुदूर अतीत में एलियन यात्रियों ने इंसानों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। एंशियंट एलियन ने ही हमारे इतिहास को एक बेहतर दिशा दी थी। उन्होंने इस धरती पर उतरकर आदिवासी लोगों को ज्ञान दिया और उनकी मदद से इंसानों ने वो निर्माण किए जो उस युग में संभव ही नहीं थे। इस किताब ने और इस किताब पर बनी एक लंबी टीवी सीरीज ने लाखों लोगों को एक बार फिर से सोचने पर विवश कर दिया कि जिन कहानियों को वो मिथक समझ रहे थे शायद वे सब सच थी। और शायद यही डेनिकन की इस किताब का मकसद भी था। पर क्या यह संभव है कि कोई एलियंस प्रजाति हमारे देवताओं जैसी दिखती होगी, जैसा कि प्राचीन सभ्यताओं में चित्रण किया गया है? क्या किसी और ग्रह से आए एलियंस या देवता धरती पर आकर हाइब्रिड संतानें पैदा कर सकते हैं जैसा कि प्राचीन सभ्यताओं में वर्णन मिलता है? मुझे लगता है कि अगर हम जीवन क्या है और किसी भी ग्रह पर यह किस तरह से और कैसा इवॉल्व होता है, अगर हम ये समझ लें तो एलियंस को लेकर सभी मिथकों को समझने में काफी आसानी होगी। तो बने रहें एक बार फिर से मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। हम जैसा जीवन अपने ग्रह पर देखते हैं वैसे ही जीवन को लेकर यह सवाल हमारे मन में आता है कि क्या यूनिवर्स में कहीं किसी और ग्रह पर ऐसा ही जीवन हो सकता है? हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन की फिलोसफिकल व्याख्या जो भी हो, लेकिन हकीकत में जीवन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है, या यूं कह ले कि बायोलॉजी में कन्वर्ट हुई केमिस्ट्री है। तो किसी भी ग्रह पर लाइफ की इस केमिस्ट्री के लिए कुछ जरूरी चीजें चाहिए होती हैं, जिनमें से एक अमीनो एसिड है। बाकी लाइफ के लिए जरूरी चीजों के साथ यूनिवर्स में यह भी भरपूर मात्रा में मौजूद है। लेकिन इसे बायोलॉजिकल फिगर में ढलने के लिए कुछ अनुकूल हालात चाहिए होते हैं, तब यह किसी भी ग्रह के एनवायरमेंट के हिसाब से तीन रूपों में ढल सकता है: बैक्टीरियल लाइफ, कॉम्प्लेक्स लाइफ और इंटेलिजेंट लाइफ। बैक्टीरियल लाइफ यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जिसे हम एक कोशिकीय जीव भी कहते हैं, इस तरह की लाइफ अरबों ग्रहों उपग्रहों पर हो सकती है, क्योंकि इसके लिए मुख्य रूप से पानी जरूरी है और पानी बहुत से ग्रहों और नेचुरल उपग्रहों पर मौजूद भी है। यानी एक कोशिकीय जीवन हमारे सोलर सिस्टम के सबसे सुदूर हिस्से में मौजूद प्लूटो के पानी में भी हो सकता है, शनि और बृहस्पति के उपग्रहों पर भी हो सकता है, और सबसे अंतिम सीमा पर मौजूद संभावित प्लैनेट 9 के उपग्रहों पर भी हो सकता है। इसके बाद आता है मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म यानी कॉम्प्लेक्स लाइफ, जो दो तरह की हो सकती है। एक वो जिसे हम हमारे ग्रह पर मौजूद समुद्रों में देखते हैं। इस तरह की लाइफ प्रोक्सिमा बी पर मौजूद उन समुद्रों में भी पनप सकती है जिनमें गर्मी और सूरज की रोशनी की पहुंच रहती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू होता है खुश्क जीवन, जिसे पनपने के लिए परिस्थितियां ज्यादा अनुकूल चाहिए होती है, जैसे कि थिक एटमोस्फेयर, ऑक्सीजन जैसी जरूरी गैसें
मैग्नेटोस्फीयर आदि। तो कहने का अर्थ है, जो भी ग्रह इन जरूरतों को पूरा करता होगा वहां वैसा जीवन पनप सकता है जैसा कभी डायनासोर के युग में पृथ्वी पर मौजूद था। अब इसके बाद आती है इंटेलिजेंट लाइफ, यानी किसी भी ग्रह की वो सबसे बुद्धिमान प्रजाति जिसे सुप्रीम स्पीसीज का दर्जा दिया जा सके, जैसे कि हम इंसान। लेकिन बुद्धिमान प्रजाति का अर्थ ये हरगिज नहीं कि दूसरे जीवन के लिए अनुकूलता वाले उन ग्रहों पर हमारे जैसे ही इंसान हो। जीवन वातावरण के हिसाब से शक्ल और अक्ल पैदा करता है। दूसरे ग्रहों पर अगर जीव हुए भी तो वो अपने वातावरण के सहारे इवोल्व हुए किसी भी तरह के जीव हो सकते हैं, जैसे कि अधिकतर हॉलीवुड वाले कल्पना करते हैं। बुद्धिमान प्रजाति का अर्थ ये नहीं होता कि वे हम जैसे ही हों, बल्कि इसका अर्थ ये होता है कि वे दिमाग का इस्तेमाल करके प्रकृति से अलग खुद भी चीजें निर्माण कर विकास के पैमाने पर जीवन को आगे बढ़ा सकते हो, जैसे कि हम करते हैं। और ऐसा करने वाली बुद्धिमान प्रजाति केवल उन ग्रहों पर ही हो सकती है जिसे हमारी पृथ्वी के जैसे कई सुखद इत्तेफाक मिले हों। बेशक इंटेलिजेंट लाइफ कॉम्प्लेक्स लाइफ का ही एक विकसित रूप हो, लेकिन इसे इवॉल्व होने के लिए लाखों साल का सुरक्षित वक्त चाहिए होता है। ऐसे जीवन कई सुखद संयोगों के साथ बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिके होते हैं। किसी ग्रह पर एकदम हमारे जैसा ही जीवन पनपने के लिए कुछ जिन जरूरी संयोगों की जरूरत है, उनमें सबसे पहले तो उस ग्रह की कंपोजिशन ही ऐसी होनी चाहिए कि सॉलिड लिक्विड गैस के रूप में जो मैटर हम अपने आसपास देखते हैं वैसे ही सेम मिश्रण वहां पर भी हो। उस ग्रह का अपने सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में होना ही चाहिए, यानी सूरज से इतनी दूर कि जीवन की नींव के लिए सबसे जरूरी चीज पानी तरल रूप में रह सके। अगर वो ग्रह अपने सूरज के ज्यादा पास होगा तो पानी भाप बन जाएगा, और ज्यादा दूर होगा तो बर्फ बन जाएगा। उस ग्रह का साइज भले थोड़ा कम या ज्यादा हो, लेकिन डेंसिटी ऐसी ही होनी चाहिए कि समान मास बन सके, जिससे ग्रेविटी उतनी हो कि इंटेलिजेंट लाइफ हमारे जैसे रूप में पनप सके। अगर उस ग्रह की ग्रेविटी हमारे ग्रह से थोड़ी भी ज्यादा होगी तो वे सुप्रीम क्रीचर्स अलग ढंग से पनपेंगे, और कम होगी तो अलग ढंग से इवॉल्व होंगे। हमारे जैसे जीवन के लिए उस ग्रह के पास पृथ्वी जैसा ही घूमता हुआ लिक्विड आयरन कोर भी होना चाहिए जो अपने आसपास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना सके, क्योंकि बिना इसके सोलर हवाएं और कॉस्मिक रेज के जरिए आने वाला रेडिएशन इस तरह के जीवन को पनपने नहीं देगा। उस ग्रह के पास एक थिक यानी मोटा वातावरण होना चाहिए जो इतना वायुमंडलीय दबाव बना सके कि पानी सतह पर लिक्विड रूप में टिका रह सके। अगर ये ना हुआ तो पानी उस ग्रह पर रुक ही नहीं सकेगा, और फिर कोई भी जीवन पनपने की संभावना मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल हमारे जैसी लाइफ के लिए इतना भी काफी नहीं है। उस ग्रह के पास हमारे चांद के जैसा एक सुपर साइज नेचुरल सैटेलाइट भी होना चाहिए जो अपनी ग्रेविटी से अपने प्लैनेट की एक्सिस को स्टेबल रख सके। अगर एक्सिस स्टेबल ना रहे तो मौसम में तेजी से बदलाव होंगे, और उस ग्रह का अपने अक्ष पर लगभग 23 डिग्री झुका होना भी जरूरी है जिससे मौसम ठीक से बदल सके, वरना लंबे समय तक एक जैसा रहने वाला मौसम फसलें भी पनपने नहीं देगा और ना ही ठीक ठाक जीवन को इवॉल्व होने देगा। फिर उनका हमारे जैसा विकास भी नहीं होगा। अगर हम फिर भी कल्पना कर लें कि किसी ग्रह ने इतने सारे सुखद संयोगों को पा लिया होगा और लंबे वक्त तक उन तमाम खतरों से सुरक्षित भी रह लिया होगा जो यूनिवर्स में चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, यानी कहने का अर्थ है कोई ग्रह पृथ्वी की बिल्कुल कॉपी भी हुआ, तो भी वहां जीवन अपने सभी रूपों में पनप तो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वहां पनपने वाला जीवन एग्जैक्ट हम इंसानों की कॉपी या जिस तरह के बुद्धिमान देवताओं या एलियंस की हम कल्पना करते हैं या उनकी चेतना का स्तर हमारे जैसा या हमसे बेहतर होगा। वे दिखने में और दिमाग से हमसे काफी अलग तरह के जीव हो सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ही ग्रह पर होते हुए भी यहां जीवन के इतने सारे रंग और इतने सारे प्रकार हैं। एक ही वंश बेल से निकले थोड़े अलग वातावरण में रहने वाली प्रजातियां अलग तरह से इवॉल्व होकर एक चिंपांजी बन गई और एक मानव। उसके बाद भी कई सारी प्रजातियां लाखों साल भटकने के बाद भी बुद्धिहीन ही खत्म हो गई। होमो सेपियंस के विकास का इतिहास अलग से म्यूटेशन और ढेरों संयोगों से भरा पड़ा है। तो ये बड़ी अजीब बात है, हम फिर भी कल्पना करते हैं कि आसमान से आए हमारे मिथकों वाले देवता सच में थे। उन्होंने ही हमें इस धरती पर बसाया था या किसी भी तरह का ज्ञान देकर विकास का रास्ता प्रशस्त किया था। और सबसे बड़ी बात ये सोचते हैं कि हम किन्हीं एलियंस की हाइब्रिड संतानें हैं, जबकि हमारा डीएनए सबसे ज्यादा चिंपांजी से मिलता है। और उससे भी बड़ा सवाल तो ये है
कि डीएनए में 1% जैसे मामूली अंतर के बावजूद भी हम अपने जैव परिवार में अपने निकटतम संबंधी चिंपांजी के साथ संबंध बनाकर संतान पैदा नहीं कर सकते। तो देवता कहें या एलियंस, जो हमारी बायोलॉजी में एकदम हमसे अलग तरह के जीव होंगे, तो वो कैसे यहां आकर हाइब्रिड संतानें पैदा कर सकते हैं? ये तो तभी संभव होगा कि किन्हीं देवता या एलियंस और इंसानों का जेनेटिक कोड लगभग एक ही समान हो, जो कि इस यूनिवर्स में जीवन के लिहाज से एक जैसा होना असंभव है। डेनिकन की उस किताब के बारे में वैज्ञानिकों का कहना था कि इस किताब में केवल रहस्यों को परिकल्पना के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, बाकी इस किताब में छद्म विज्ञान, छद्म इतिहास के अलावा कुछ भी नहीं है। प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों की इस परिकल्पना को वैज्ञानिकों द्वारा पूरी तरह से खारिज किया जा चुका है और उस पर आधारित टीवी सीरीज को, जिसे लाखों लोगों ने पसंद भी किया है, उसे भी छद्म विज्ञान और छद्म इतिहास की कैटेगरी में रखा गया है। इस किताब में जिन प्राचीन कलाकृतियों और निर्माणों के बारे में कहा गया है कि वो किन्हीं देवताओं या एलियंस की मदद के बिना बन ही नहीं सकते थे, उन्हें इंसानों ने ही बनाया था, इस बात के ढेरों पुरातात्विक प्रमाण पहले भी मिल चुके थे और आज भी मिल चुके हैं। लेकिन इन निर्माणों का श्रेय देवताओं को देने वाले डेनिकन ने उन मजदूरों, गुलामों और कारीगरों की मेहनत और कुर्बानियों को नजरअंदाज किया था, जिन्होंने 20 से ज्यादा वर्षों तक इन इमारतों के निर्माण में पसीना और लहू बहाया था। खैर, इस पर आगे कभी विस्तार से बात होगी, फिलहाल के लिए समझने वाली बात यही है, पूर्वाग्रही मन कल्पना करते वक्त सभी जरूरी तथ्यों को इग्नोर करने का सामर्थ्य रखता है, उसे रहस्य पसंद है, तथ्य उसके भ्रम को ही नहीं उसका दिल भी तोड़ देते हैं, इसलिए वो रहस्यों की ओर जल्दी आकर्षित होता है, उसे हर बात अपने विश्वासों के फेवर में ही अच्छी लगती है। इसलिए डेनिकन जैसे लोग डगमगाती आस्था और उसके विश्वासों को थोड़ा विज्ञान और रहस्य का घाल मेलकर खाद पानी देने का काम करते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए रहस्यवादी लोग एक बात को भूल जाते हैं, जिन एलियंस की परिकल्पना से वो धर्मों की कहानियों को खाद पानी देने की कोशिश करते हैं, अगर भविष्य में कभी एलियंस के साथ पहला कोई कॉन्टैक्ट हुआ तो उसी के साथ सबसे पहले सभी धर्म ढह जाएंगे, तब किस मुंह से लोग खुद को खुदा की सबसे प्यारी संतान कहेंगे और कैसे कहेंगे कि ये कायनात खुदा ने उनके लिए बनाई है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।